हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बहुत दिनों से हम व्लॉग नहीं बना रहा था मैं, पर अब डेली व्लॉग बनेगी और आएगी आपके पास। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इधर नदी है उसकी तरफ, थोड़ा वहाँ का सीन देख के आते हैं, क्योंकि अब बारिश तो ख़त्म हो गई। गाइस देख सकते हैं इसके पास ये खेत है, ये इसमें देखो गेहूँ आ गए हैं, बड़े बड़े हो गए गाइस। तो अभी हम चलते हैं नीचे की ओर में, देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या सीन है। गाइस यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं जगह है। और गाइस अभी हम चलते जा रहे हैं, और इधर की साइड में हमारे गेहूँ हैं। तो गाइस इधर खड़ी थोड़े मच्छर हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम आ चुके हैं, मतलब हमारे घर से थोड़ी दूर है में ही है ये। मतलब जब बारिश होती है, जब कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो मतलब इस खेत में, ये वाला खेत में पूरे में पानी पानी हो जाता है। मतलब जब ज़्यादा बारिश होती है, जब ऐसे नहीं आता है गाइस। गाइस अभी देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख गई है, वहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा पानी भरा है और यहीं पर कुआ है और सूख चुका है गाइस। तो गाइस अभी हम चलते हैं, और वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है। ओ ये गाइस कौन सा पेड़ है, ये शायद सेतुआ पेड़ है, इसमें सेतुस लगते हैं गाइस। तभी हम चलते हैं आगे की ओर फटाफट से। ओ बीच में पेड़ गिरा है, बाकी गाइस ये है ना किसी ने काटा है, इसको रख दिया, हमको इसको पार करके जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हमने इसको पार करके आगे की ओर जा रहे हैं। गाइस देख सकते हैं इधर भी पूरे पेड़ पेड़ है, उधर की साइड भी पूरे पेड़ पेड़ हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये मैंने ना इसमें धना बोया है, धनिया। ये मैंने एक लोहे का वो रहता है ना, उसमें मिट्टी डाल के उसके ऊपर धनिया डाल के, और फिर उसके ऊपर मिट्टी थोड़ी डाल के और गीली करके उसको अभी धूप में रख दिया है, क्योंकि पौधों को धूप की भी ज़रूरत रहती है। तो गाइस अभी हम चलते हैं हमारे बफेलो की ओर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारे बफेलो के पास में फटाफट से। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे बफेलो के साइड में। तो गाइस ये रहा हमारा बफेलो, ये गाइस ये बिल्कुल नहीं मारती है, गाइस देख सकते हो ये बिल्कुल नहीं मारती है। और गाइस अभी हम शाम की टाइम है ना, इसको है ना घुमाने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि अभी नदी सूख गई है, उधर की साइड में थोड़ा चारा खाएगी और थोड़ा घूमे फिरेगी। तो गाइस हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे और उधर की साइड में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस बाय बाय गाइस।